रिविजन के इस सीरीज में हम लोग अभी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का रिविजन कर रहे हैं। इससे पहले नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से संबंधित दो पार्ट आ चुका है और ये दोनों ही पार्ट मूल जो वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो, उसका ये पहला जो वीडियो है उस पर आधारित ये तीनों ही वीडियो था। तो इसमें हम लोग आगे चीज़ों का रिविजन कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से जानकारी दे दूँ कि 23 तारीख और 24 तारीख ये जो दो दिन है, इस दिन आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित चीज़ों को बनाना है। विजन का 2020 का जो टेस्ट सीरीज है, 2020 का यानी कि जो बीत चुका है उस साल का जो टेस्ट सीरीज है, उसका टेस्ट नंबर 1 आपको बना के रखना है और इस पर आधारित क्वेश्चंस जो है मैं आपसे पूछूंगा कब, 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को इस पर आधारित क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। तो ये एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जिसमें आप सेल्फ लगा सकते हैं, सेल्फ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जिसको आपको खुद से बनाना है बस मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो आपको 23 और 24 ये दो दिन बना के रखना है। क्या विजन का सेट नंबर 1 2020 वाला जो अभी हो चुका है, सेट नंबर 1 25 अक्टूबर को इससे संबंधित मैं 20-25 क्वेश्चंस पूछूंगा और फिर 26 और 27 फिर आपको सेट नंबर 2 बनाना है और फिर आगे इसी तरह से ये सही चलता रहेगा। दो दिन आप बनाएंगे, तीसरे दिन छुट्टी, छुट्टी का मतलब मैं थोड़ा बहुत आपसे पूछताछ कर लूँगा, फिर दो दिन आप अगला सेट बनाएंगे, फिर तीसरे दिन छुट्टी और इसी प्रक्रिया से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और टारगेट हम लोगों का क्या कि यूपीएससी एग्जाम 2021 से पहले 100 सेट कंप्लीट करना, ये जो 100 सेट है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और समय से काफ़ी पहले, ताकि इसका अच्छे से रिविजन करके आप इसको रट के चले जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काम शुरू करते हैं। तरीका ये है कि पहले मैं इस वीडियो को प्ले करूंगा, आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद जो है इससे आधारित, इस पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। तो चलिए ध्यान से सुनिए वीडियो को। जल डमरू मध्य जिसको आप कहते हैं, स्ट्रेट जो है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको ये वाला जो स्ट्रेट दिख रहा है ये बेरिंग स्ट्रेट है। स्ट्रेट हम लोग उसको बोलते हैं जो दो स्थलीय हिस्से को, ऐसा कोई भी जलीय हिस्सा जो दो स्थल को अलग करता हो और दो सागरीय हिस्से को जोड़ता हो। ये जो है अलास्का की खाड़ी है, तो अलास्का की खाड़ी और ऊपर आर्कटिक सागर, इस दोनों को ये स्ट्रेट जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एशियन दो स्थलीय हिस्से को अलग अलग कर रहा है। तो ऐसे ही पार्ट को हम लोग जो है स्ट्रेट बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है ये है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट आपको ये है बेरिंग स्ट्रेट। चलिए अब यहाँ बैफिन आइलैंड आप देखे थे, बैफिन आइलैंड और यहाँ पर ग्रीनलैंड, इस दोनों के बीच में जो आपको ये स्ट्रेट दिख रहा है ये है डेविस स्ट्रेट। बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड, इस दोनों के बीच में जो आपको दिख रहा है ये है आपको डेविस स्ट्रेट, लेकिन यहाँ हडसन की खाड़ी आप पढ़े थे। तो बैफिन आइलैंड और नीचे वाला जो हिस्सा है कनाडा का, उस दोनों के बीच में ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है आपको हडसन स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट, और उसके बाद जो आपको यहाँ न्यूफाउंडलैंड है और कनाडा का ये हिस्सा है, इस दोनों के बीच ये स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा, ये है बेली आइले स्ट्रेट, बेली आइले स्ट्रेट। चलिए उसके बाद फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा और क्यूबा, इस दोनों के बीच में फ्लोरिडा स्ट्रेट, क्यूबा हैती, इसके बीच में आपको जो स्ट्रेट है वो है विंडवर्ड पैसेज। ये जो पैसेज है ये है विंडवर्ड पैसेज, और हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको, इस दोनों के बीच में है ये आपको मोना पैसेज। तो इस तरह से ये हो गया मोना पैसेज। और फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ये वैंक्यूवर आइलैंड और कनाडा, इस दोनों के बीच में जो ये आपको दिख रहा है ये आपको हो गया, इस स्टेट का आपको नाम हो गया जुआन डी फुका स्टेट, ये जो है आपको जुआन डी फुका स्टेट है। चलिए तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट किए, रिपीट कर दे रहा हूँ, ये है मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे। एक मिनट आप रुक जाएं, ये ऐड आ रहा है। हालांकि ये काफी इरिटेटिंग है मेरे लिए भी, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इसको कुछ नहीं कर सकता फिलहाल। रिपीट कर दे रहा हूँ, ये है बेरिंग स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट, ये आपको था जो न्यूफाउंडलैंड और कनाडा, इस दोनों के बीच में ये बेली आइले स्ट्रेट, और फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये विंडवर्ड पैसेज, ये आपको मोना पैसेज, और यहाँ पर जुआन डी फुका स्ट्रेट वैंक्यूवर आइलैंड और कनाडा के बीच में। तो ये सारा स्ट्रेट हम लोग यहाँ पर कवर कर लिए, और ठीक है, और भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो अभी। चलिए ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें स्ट्रेट वाला ही हिस्सा सबसे आखिरी का है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको इसका जवाब देना है। चलिए अगर मैं आपको पूछूं कि ये कौन सा स्ट्रेट था, तो आपका क्या जवाब आएगा, ये है कौन सा, मन ही मन आपको सोचना, ये है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ये आपको बैफिन आइलैंड है, तो बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड इसके बीच में ये वाला जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है ये कौन सा स्ट्रेट है, जो बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में, ये बैफिन आइलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, इसके बीच में ये वाला स्ट्रेट कौन सा था, ठीक है, ये है आपको डेविस स्ट्रेट। और बैफिन आइलैंड और इस कनाडा वाले हिस्से के बीच में ये वाला जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का क्या नाम है, इस स्ट्रेट का नाम इसके नाम पर है, ये है हडसन स्ट्रेट। अब ये न्यूफाउंडलैंड है और ये कनाडा वाला हिस्सा है, तो ये वाला कौन सा स्ट्रेट है, क्या आपको नाम इसका याद आ पा रहा है, ये है बेली आइले स्ट्रेट।
बेली आइले स्ट्रेट, ठीक है। तो ये कौन सा था, ये वाला कौन सा था, बेरिंग स्ट्रेट। ये कौन सा था, बिल्कुल ये है डेविस स्ट्रेट। ये कौन सा था, डेविस स्ट्रेट, डेविस नहीं हडसन स्ट्रीट, ये हडसन स्ट्रीट है और ये डेविस था। और ये कौन सा स्ट्रीट है, अभी मैं बताया, ये बेली आइले स्ट्रीट। चलिए उसके बाद ये फ्लोरिडा पेनिनसुला और ये क्यूबा, इसके बीच में ये जो है ये कौन सा स्ट्रीट था, बिल्कुल फ्लोरिडा स्ट्रीट, ये फ्लोरिडा स्ट्रीट हो गया। ये है क्यूबा और ये है हैती, इसके बीच में ये वाला कौन सा स्ट्रीट है, बिल्कुल ये है विंडवर्ड पैसेज। और ये क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, तो डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के बीच में ये है मोना पैसेज, ठीक है। और उसके बाद एक आपको यहाँ बच गया, ये वैंक्यूवर आइलैंड यहाँ पर है और कनाडा, इसके बीच में ये वाला जो स्ट्रीट है ये कौन सा है, वैंक्यूवर आइलैंड और कनाडा के बीच में स्ट्रीट ये कौन सा था, बिल्कुल जोआन डी फूका स्ट्रीट। तो अगर मैं अब रैंडमली आपसे पूछना चाहूँ तो आप बताइए इन सब में से कहाँ पर है विंडवर्ड पैसेज। विंडवर्ड पैसेज का ऑप्शन नंबर एक, ये दो तीन चार, अब बताइए इन सब में से कौन सा है विंडवर्ड पैसेज। शायद आपका जवाब सही है अगर आप सोच पा रहे हैं तो, यही है विंडवर्ड पैसेज। अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए आप बताइए बेली आइले स्ट्रेट कौन सा है, क्या ये बेली आइले स्ट्रेट है या ये है, आप अगर सोच पा रहे हैं तो ये है आपको बेली आइले स्ट्रेट। अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए बताइए जोआन डी फूका स्ट्रेट कहाँ पर है, जोआन डी फूका स्ट्रेट कहाँ पर है, क्या ये है जोआन डी फूका स्ट्रेट, क्या ये जोआन डी फूका स्ट्रेट है या फिर ये जोआन डी फूका स्ट्रेट है, दोनों गलत है, ये जोआन डी फूका स्ट्रेट है वैंक्यूवर आइलैंड और कनाडा के बीच में। अगर मैं पूछूं डेविस स्ट्रेट किन किन दो स्थलों को अलग करता है, तो आपको बोलना है ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड, तो ये हो गया आपको डेविस स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट का नाम आप बता दीजिए फटाक से, इसका क्या नाम है, ये है आपको इसके नाम पर हडसन स्ट्रेट। तो इस तरह से जितना भी यहाँ पर है हम लोग स्ट्रेट का रिविजन किया। अब मैं थोड़ा सा, चूँकि ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो कम्प्लीट हुआ तो मैं सारी ही चीज़ों को मिला जुला कर पूछता हूँ, बताइए आप ये बताइए कि ये जो माउंटेन रेंज है इसका क्या नाम है, कोस्ट रेंज पर अवस्थित ये जो माउंटेन रेंज आपको दिख रहा है इसका नाम आपको बताना है, बिल्कुल ये जो है माउंट लोगन। चलिए ये माउंटेन रेंज, माउंटेन पीक जो है हाईएस्ट पीक, इसका नाम बताइए, इस माउंटेन पीक का नाम बताइए, ये तो माउंटेन माउंट लोगन था इस पीक का नाम, इस चोटी का नाम क्या है, माउंट मैकिनले, बिल्कुल। अच्छा ये अगर मैं पूछूं ये माउंटेन पीक कौन सा है तो क्या जवाब आपका आएगा, बिल्कुल माउंट मिशेल। अच्छा ये है रॉकीज माउंटेन रेंज, तो रॉकीज पर जो ये आपको दिख रहा है ये माउंटेन पीक कौन सा है, इसका क्या नाम है, बिल्कुल ये है माउंट एल्बर्ट। ये है माउंट रेनियर, होड्स, सहस्ता, माउंट विटनी और ये था माउंट एल्बर्ट। तो चलिए इस तरह से ये हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए इन सब में से रेनियर नहीं अथाबास्का लेक कौन सा है, अथाबास्का झील यहाँ पर कहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन है आपका एक दो तीन चार, अब इन चारों में बताइए अथाबास्का कौन सा है, एक दो तीन चार, चार ऑप्शन दिया, बिल्कुल ये तीसरे नंबर का जो यही अथाबास्का है। आप देखे थे ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेब, अथाबास्का, रेनडियर और यहाँ पर विनिपेग है, तो ये था आपको ये। अगर मैं पूछूं बताइए कोलंबिया स्नैक प्लेटो जो है वो कहाँ पर है, कोलंबिया स्नैक पठार इन सब में से कहाँ पर है, तो आपका जवाब क्या होगा, क्या ये कोलंबिया स्नैक है या ये है या फिर ये है, आपका जवाब अगर ये है तो बिल्कुल सही है, ये है कोलंबिया स्नैक। आप पढ़े थे ये ब्रिटिश कोलंबिया है और ये कोलंबिया स्नैक है, ये ग्रेट बेसिन और ये कोलोराडो का पठार, और ये मैक्सिकन प्लेटो, ये सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और ये ब्रुक्स रेंज, ये अलास्का रेंज, ये मैकेंजी रेंज, रॉकीज, कोस्ट, कैस्केड, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ये अपलेशियन माउंटेन रेंज। तो इस तरह से बाकी चीज़ों का हम लोग रिविजन कर चुके हैं, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जहाँ तक संभव हो आप साथ साथ चलते रहें, क्योंकि साथ साथ चलते रहेंगे तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। लास्ट टाइम में आपको जो एक भागदौड़ की स्थिति होती है उससे आप बच सकेंगे और अभी से आपका हर एक चीज़ तैयार होता चला जाएगा। तो
बाकी टेसरीज का जो प्रोग्राम है उसमें आप ज़रूर शामिल होइए, इससे आपको लास्ट टाइम में जो एक हड़बड़ी होगी उससे आप बच सकेंगे और आप बेटर तैयारी कर सकेंगे अभी के 8 महीने बाद जब 27 जून को आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। तो उस समय के लिए आज एक मेहनत वाला पौधा आपको बोना होगा ताकि एक फलदार वृक्ष आखिरी समय आप काट सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।